Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shraddha और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे टॉप 5 कॉम्पैक्ट पाउडर शेयर करने वाली हूँ. मोस्टली जो है मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो कॉम्पैक्ट पाउडर ही अप्लाई करके जाती हूँ, लाइक मॉइस्चराइजर एंड देन कॉम्पैक्ट पाउडर. तो आज की वीडियो में मैं मेरे टॉप 5 मैबेलिन फिट मी फॉर्मेट प्लस पोरलेस, ये जो है आपके पोर्स को जो है अच्छे से क्लीन कर देता है, पोर्स को जो है अच्छे से फील कर देता है, ताकि एक प्लेन सा कैनवास बन जाए आपकी स्किन पे. आपका फेस जो है ऐसा प्लेन या काफ़ी अच्छा दिखता है, पोर्स जो है वो मिनिमाइज कर देता है समाउ. तो ये जो है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है. मेरी स्किन ड्राई है तो मैं मॉइस्चराइजर पहले अप्लाई कर लेती हूँ, देन ये डायरेक्ट ये फाउंडेशन, देन डायरेक्ट ये कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करती हूँ. और ये मेरा आई थिंक 4th या 5th प्रोडक्ट है जो मैंने परचेस किया है. ये अच्छे से कवर कर लेता है और ये मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर है, मैबेलिन फिट मी. नेक्स्ट मेरा जो फेवरेट है वो है शुगर कॉस्मेटिक का ड्रीम कवर SPF 15 मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट. तो ये भी जो है ये भी काफ़ी अच्छा कवरेज देता है एंड काफ़ी लाइट वेट और स्मूथ है एंड थोड़ा सा मैट फिनिश, थोड़ा सा नहीं काफ़ी मैट फिनिश है. बट अगर आप मॉइस्चराइजर लगा के इसे अप्लाई करते हो तो एक अच्छा सा लुक आता है फेस पे. आपकी स्किन जो है काफ़ी ड्राई नहीं होगी. तो ये भी एक फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर है मेरा शुगर कॉस्मेटिक का. जो नेक्स्ट फेवरेट है वो है लोटस सिल्क टच परफेक्टिंग पाउडर. इसका जो केक है वो टूट गया है क्योंकि जस्ट अभी ये मेरे हाथ से गिरा. तो ये भी एक मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर है सिल्क टच. इससे जो है स्किन काफ़ी ऐसी सिल्की स्मूथ लगती है एंड ऐसा काफ़ी अच्छा कवरेज है एंड इवनली स्किन को ये इवन टोन में लाता है. जब आप अप्लाई करोगे तो ये पिगमेंटेशन, छोटे लाइट पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स काफ़ी अच्छे से कवर कर लेता है लोटस सिल्क टच परफेक्टिंग पाउडर. देन मेरा जो फेवरेट है वो है लॉरियल का ये कॉम्पैक्ट पाउडर. एक्चुअली ये कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है, इसका जो कवर है वो टूट चुका है. अगेन ये मेरे हाथ से काफ़ी बार गिरा और आप देख सकते हैं ये काफ़ी यूज़ भी किया है मैंने और ये इतना सा प्रोडक्ट काफ़ी समय भी चलता है. ये कुछ तो भी लॉरियल का एक पिक्चर डाल दूंगी मैं ये कौन सा है एग्जैक्टली, तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है. बट इसे ये लॉरियल पैरिस का है तो ये जो है इसे मैं एज अ कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करती हूँ. लाइक दोनों एक आप देख रहे होंगे लाइट शेड एंड डार्क शेड है, दोनों को मिक्स करके मैं अप्लाई करती हूँ. काफ़ी अच्छा फिनिश आता है देन काफ़ी अच्छे से डार्क स्पॉट्स को ये भी कवर कर लेता है. अगर लाइट छोटे मोटे डार्क स्पॉट्स है तो काफ़ी हेवी डार्क स्पॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट छोटे मोटे डार्क स्पॉट्स अगर आपके फेस पे है तो ये काफ़ी अच्छे से उनको कवर कर लेता है. तो ये भी मेरा एक फेवरेट है लॉरियल पैरिस का एंड ये भी थोड़ा सा मैट फिनिश में आता है बट जब आप इसे अप्लाई करते हो तो हल्का सा ग्लॉसी सा लुक आता है. इसमें हल्का सा जो है ऐसा शिमरी कुछ प्रोडक्ट है जिसे आपकी स्किन हल्की हल्की सी ग्लो भी करती है. देन लास्ट बट नॉट लीस्ट अगेन लैक्मे रेडियंस कॉम्पैक्ट पाउडर. ये भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर है और आप देख सकते हैं इसे भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है. तो ये भी कॉम्पैक्ट पाउडर जो है ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है बट ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ बिकॉज इसका जो शेड है अगेन मेरे स्किन टोन पे ही ज़्यादा वाइट दिखता है. तो इसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ बट ये भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है लैक्मे रेडियंस कॉम्पैक्ट पाउडर. सो फ्रेंड्स ये थे कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर जो मेरे फेवरेट है और काफ़ी अच्छे रेंज में है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. और अगर आप डेली में कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करना चाहते हो तो ये काफ़ी बेस्ट है. तो ये था मेरा आज का वीडियो, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए और आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि आपका कौन सा फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर है इसमें से. सो फ्रेंड्स और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो.
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये यूज़फुल लगा है। अगर यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।